डेथ क्रॉस, डेथ क्रॉस, लगातार इस तरीके की बातें की जा रही हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अभी हमें क्या करना है, डेथ क्रॉस कैसे काम करता है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा है, जिन लोगों ने ना देखा हो तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि डेथ क्रॉस बेसिकली होता क्या है। शॉर्ट में अगर यहाँ पर बात करेंगे डेथ क्रॉस की, तो यहाँ पर मैं फिर एक बार बता देता हूँ सिंपल शब्दों में कि डेथ क्रॉस, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर की लाइन है ये 50 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है, रेड कलर की जो लाइन है ये 200 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन लाइन ने यानी शॉर्ट पीरियड के मूविंग एवरेज ने बड़े पीरियड मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। और जब यही क्रॉस ओवर जस्ट इसका अपोजिट होता है, जैसे कि यहाँ पर ये हुआ, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ग्रीन कलर का यानी शॉर्ट पीरियड का मूविंग एवरेज जब बड़े पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, तो फिर वहाँ पर उसको बोलते हैं डेथ क्रॉस। कितना रिलायबल है, कितना वर्क करता है, ये सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन इसका जिस तरीके से आप लोगों के अंदर एक फेयर ऑफ लॉस क्रिएट हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पर आपको समझना होगा। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, इस तरीके की अपडेट अभी भी किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं दी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना होती है, देखो जब डेथ क्रॉस बनता है तो हमें उसी करना है, क्योंकि वो भी एक बेरिश कंडीशन ही होती है मार्केट की, डेथ क्रॉस जब बनता है। लेकिन डेथ क्रॉस इफ़ेक्ट करेगा उतना या नहीं करेगा, ये मैं बताता हूँ आपको। अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये चीज़ पर गौर करिएगा, और उसके बाद हो सकता है दिल का आधा डर आपका निकल जाए। देखो मार्केट यहाँ तक गिर गई, डेथ क्रॉस बना यहाँ पर, ठीक है। उससे पहले डेथ क्रॉस बना यहाँ पर, तो इससे पहले का हम देख लेते हैं मामला क्या था। मार्केट देखो यहाँ पर नीचे आई, ऊपर गई थोड़ा सा, एक डेथ क्रॉस क्रिएट हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरी, उसके बाद ऊपर चलना स्टार्ट हो गई। तो भाई डेथ क्रॉस तो देखो यहाँ पर बना हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई। देखो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। और मार्केट सडन डंप हुई। अब देखो मार्केट जिस दिन डंप हुई, जो सबसे बड़ी कैंडल है, यहाँ पर मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ तो समझ में आएगा अच्छे से। तो ये जो सबसे बड़ी कैंडल यहाँ पर आपको दिख रही है, ये वाली जहाँ पर मैंने कर्सर को रखा हुआ है, तो अगर इसकी डेट देखोगे तो 12 मार्च 2020 थी, ठीक है। और क्रॉस ओवर हम देखते हैं कर्सर को उधर करके कि कब बना, तो क्रॉस ओवर हमारा बन रहा है 25 मार्च 2020 को। तो ये भाई ये 13 दिन का झोल क्या है, 25 मार्च को यहाँ पर मार्केट ने क्रॉस ओवर दिया, एक डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस के बाद मार्केट तो यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हो गई थी, 12 मार्च को मार्केट यहाँ पर आई थी, और उसके बाद मार्केट यहाँ से 12 और 13 मार्च दो कैंडल समझ सकते हो, उसके बाद मार्केट ऊपर चलने लगी थी, तो मार्केट ऊपर ही ऊपर चलती चली गई। तो ये डेथ क्रॉस का कोई फ़ायदा हुआ यहाँ पर? डेथ क्रॉस से पहले मार्केट टूटती है, डेथ क्रॉस बाद में होता है, तो डेथ क्रॉस से डर क्यों रहे हो? देखो एक वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि डेथ क्रॉस जब बनेगा मार्केट एकदम से नीचे नहीं जाएगी। अगर वो वीडियो कुछ लोगों ने देखा होगा वहाँ पर, तो उस वीडियो को समझने की कोशिश की होगी। टिकली आपको इस चार्ट पर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको समझ में आई बात कि डेथ क्रॉस बाद में बना, मार्केट तो पहले गिर गई थी। तो मार्केट मेरे भाई किस तरह से ऊपर जाती है मैं बताऊँगा, इसी वीडियो में बताऊँगा, उसको देखना समझना। पहले तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो कि यहाँ से मार्केट टूटी और 12-13 मार्च तक मार्केट डाउन आई, उसके बाद मार्केट धीरे 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 ऊपर ही तो चलने लगी ना, डेथ क्रॉस यहाँ पर बना, तो मार्केट तो यहाँ से ऊपर जा रही थी, डेथ क्रॉस बन गया तो मार्केट को तो नीचे आना चाहिए, बताया तो आपको यही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर डेथ क्रॉस चिल्लाया जा रहा है, लेकिन डेथ क्रॉस एग्जैक्टली वर्क किस तरह से करता है ये नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट जब इतना ऊपर चलने के बाद, देखो यहाँ पर इसको 50 पीरियड का रेजिस्टेंस मिला था। कहाँ पर रेजिस्टेंस मिला था? 50 पीरियड का, आप देख लो यहाँ पर एग्जैक्ट, देखो 50 पीरियड पर इसने रेजिस्ट किया, थोड़ा सा मार्केट नीचे आई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, और फिर क्या किया यहाँ पर 50 पे जो इसका रेजिस्टेंस था उस पर सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, फिर ये ऊपर गई, इसने 200 पीरियड को पार किया। पार करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसने कन्फर्मेशन दी, 200 पीरियड पर जाकर सपोर्ट लिया, ठीक। उसके बाद देखो मार्केट गई ऊपर, सिर्फ ऊपर ही ऊपर चलती चली गई। तो यहाँ पर देखो ज़रूरी नहीं कि यहाँ से, देखो इस तरीके से मार्केट अभी ऊपर गई है तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ऊपर ही ऊपर चलती चली जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस चार्ट को श्रिंक करके, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सीधा ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के बाद से यहाँ पर से सीधा ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर इसने गोल्डन क्रॉस ओवर किया, अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर देखो मामला क्या होता है, पहले तो ये समझ लो
कि ये किसी भी क्रिप्टो करेंसी के यूट्यूबर ने आपको ये नहीं बताया होगा, मूविंग एवरेज के बारे में बहुत बताया होगा, डेथ क्रॉस से बहुत डराया होगा, गोल्डन क्रॉस से बड़ा आपको ललचाया होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया होगा कि मूविंग एवरेज बेसिकली काम क्या करते हैं। देखो मूविंग एवरेज क्या होता है, 50 पीरियड का मूविंग एवरेज यानी पिछली 50 कैंडल्स का लेखा जोखा और उसका एक एवरेज निकालना और एक लाइन के माध्यम से आप तक चार्ट पर पहुंचा देना। 200 पीरियड का मूविंग एवरेज भी कुछ इसी तरह का काम करता है, पिछली 200 कैंडल्स का एवरेज लेता है, यहाँ पर डेली चार्ट है, तो यानी कि जो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज होगा वो पिछले 200 दिनों का एवरेज करेगा प्राइस को, ठीक है, उसके बाद एक लाइन की शक्ल में आपको चार्ट पर आ जाएगा। तो ये होता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसका बेसिक सा सिस्टम क्या है, मेरे हिसाब से मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हो, सिंपल मूविंग एवरेज हो या किसी भी तरीके का मूविंग एवरेज हो, वो सिर्फ आपको आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है, अदरवाइज मूविंग एवरेज का कोई दूसरा काम नहीं होता है। क्रॉस ओवर ट्रेडिंग में अगर आप उसको देखोगे तो आपको ये पता चलेगा जब क्रॉस ओवर होता है। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, आप देखना बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये गोल्डन क्रॉस हुआ था, ठीक है, गोल्डन क्रॉस हुआ था। अब देखो यहाँ पर मैं एक लाइन को प्लॉट करता हूँ, सिंपल सा एक लाइन को लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको प्लॉट कर दिया। मार्केट इस तरह से ऊपर गई, नीचे गिरी, सपोर्ट लिया 200 पीरियड का, ठीक है, यहाँ कहीं पे लेता रहा जब तक कि इस लेवल के नीचे रही, जब तक के बेयरिश रही, ऊपर गई, फिर देखो नीचे आई तो इसने इसी लाइन का सपोर्ट लिया यानी 9893 यानी 9893 का, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गई, जो स्मार्ट ट्रेडर थे समझ गए कि यहाँ से एक रैली आनी है। देखो आ गई रैली, कहाँ तक प्राइस गया, प्राइस अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया जाकर। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये देखो ये जो ग्रे कलर की लाइन में आपको ये 19,666 का प्राइस दिख रहा है, ये पिछला ऑल टाइम हाई है जो 2017 में बना था, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट ने कुछ दिन वेट किया, अगर इसको जूम करके देखोगे तो मार्केट ने अच्छा खासा दिन वेट किया, यहाँ पर टच किया, नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर एक रैली लगाई। अब कि इसने छप्पर फाड़ दिया, छप्पर फाड़ दिया मतलब 42,000 तक चला गया, 40,000 तक चला गया, 40,000 से इसको एक रिएक्शन मिला, प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आया तो देखो यहाँ पर इसमें सपोर्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझनी है मेरे भाई आपको, सपोर्ट भी देखो कहाँ पर ले रहा है, सपोर्ट भी यहाँ पर लिया, मैंने इसे इतना कहा लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, अब जब मैं बताऊंगा तो समझेंगे। 50 पीरियड मूविंग एवरेज का इसने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर जो मूविंग एवरेज का काम है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट का काम करते हैं, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो मूविंग एवरेज आपके रेजिस्टेंस बताते हैं। जैसे कि अगर मैं चार्ट को पीछे ले चलता हूँ तो आपको वो रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ सकते हैं। देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, पीछे ले चलता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो जब ये चीज़ कब खतरनाक होती है, जैसे कि मार्केट ने पिछला ऑल टाइम हाई जो था 2017 का, यहाँ से मार्केट सडन डंप हुई, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर यहाँ पर डंप हुई, एक क्रॉस ओवर बना, क्रॉस ओवर के बाद तो मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था, जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको आपके इन्फ्लुएंसर आपके फेवरेट यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि क्रॉस ओवर के बाद तो मार्केट डंप हो जाती है। तो डंप होती है, होने से पहले क्या करती है, देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ तो मार्केट को गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट तो गई ऊपर, ऊपर गई तो यहाँ पर इसका जो एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर गौर से देखना, दिखाता हूँ गौर से देखना, इतनी डीपली और इतना फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना कोई भी नहीं बताएगा मेरे भाई। देखो यहाँ से मार्केट जब गई थी उसने 50 पीरियड का सपोर्ट लिया था, थोड़ा सा नीचे गया था तो हमें सचेत होना था कि यहाँ पर हमें एक सपोर्ट लगाना था, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता तो हम फिर वापस नीचे आ जाते, लेकिन इसने इस सपोर्ट पर पैर रख के ऊपर गया और कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, देखो एग्जैक्ट इसने इस रेड कलर की लाइन यानी 200 पीरियड पर एक रेजिस्टेंस लिया, यानी ये इसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बना और प्राइस डंप कर गया। दोबारा अटेम्प्ट किया इसने, देखो यहाँ से गिरा यहाँ तक, तो ये पहला जो इसने स्विंग लिया वो 50 पीरियड को रजिस्टर किया, नीचे गिरा थोड़ा सा, तोड़ा उसको, फिर 200 पीरियड रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि मार्केट इस टाइम क्रॉस ओवर के नीचे है, तो मार्केट में जो 200 पीरियड और 50 पीरियड का जो है वो मामला रेजिस्टेंस का। देखो यहाँ पर गिरी, यहाँ तक गिरी, अब इसने 200 पीरियड और 50 पीरियड के थोड़ा सा ऊपर, एग्जैक्ट जाकर वहीं पर टच नहीं करेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है। अब यहाँ पर देखो मार्केट थोड़ा सा नैरो हो गई, नैरो मीन्स साइडवेज हो गई, और साइडवेज होने के बाद दोस्तों हम जो देख रहे थे बार बार कि यहाँ पर देखो यहाँ पर ये सपोर्ट ले रही है मार्केट, ठीक है, तो मार्केट गई गिर, ठीक है, सपोर्ट टूट गया, मार्केट गिर गई। अब देखो यहाँ पर वापस में इसमें क्या हुआ, जब मार्केट इतना यहाँ तक गिर गई, ऊपर गई, तो यहाँ पर इसको 50 पीरियड का रेजिस्टेंस मिला, फिर गिरी मार्केट, फिर ऊपर गई 50 को तोड़ के ऊपर, तो 50 पे तो सपोर्ट लिया मेरे भाई, अब देखो चली गई ऊपर, चलने के बाद दोस्तों यहाँ पर बना क्रॉस ओवर, यहाँ से मार्केट ऊपर गई 50 के आसपास आकर, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है।
अब देखो यहाँ फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से तो ये थोड़ा सा नीचे इसके आ गई थी। तो हमें क्या समझना था कि अब जो हायर, पहले तो ये हायर हाई बना रही थी, अब ये लोअर हाई बना रही है। तो यहाँ पर इस तरह से और इस तरह से एक सपोर्ट बना तो मार्केट गई नीचे। तो बोलो मजबूत कौन, मजबूत डेथ क्रॉस या मजबूत प्राइस एक्शन? आई बात समझ में? यह है मॉरल ऑफ द स्टोरी। 2013 की जो बात आपसे की जा रही है तो उसको भी अगर हम देखेंगे चार्ट पर, अब 2013 का ये सामना कर लो, देख सकते हो यहाँ पर 2013 में ये हाई लगा था। अगर यहाँ पर मैं कर्सर को रख के दिखा भी देता हूँ ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, 29 नवंबर 2013 यानी कि नवंबर दिसंबर का महीने 2013, ठीक है, मार्केट गई नीचे, क्रॉस ओवर बना, डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस के बाद तो मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था मेरे भाई, मार्केट तो चली गई ऊपर, गई इस तरह से एक प्राइस एक्शन बना। यहाँ से देखो यहाँ पे कहाँ पे रजिस्टर कर रहा है, यहाँ पर 200 पीरियड पे रजिस्टर कर रहा है। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर इसने देखो यहाँ पर बराबर दो बार 50 पीरियड पर रजिस्टेंस लिया। बड़ा करता हूँ चार्ट को, जूम करता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। देखो मार्केट गिरी 50 पीरियड का रजिस्टेंस, मार्केट गिरी 50 पीरियड का रजिस्टेंस, नीचे गिरी, ऊपर चली गई 200 पीरियड का रजिस्टेंस, फिर 50 पे सपोर्ट लिया, फिर 200 के आसपास। तो यहाँ पर एक रेंज बन गई, एक नैरो रेंज बन गई। और देखो कितना बड़ा धूमधड़ाका हुआ, ये देखो आया मजा, देखो यहाँ पर कितना ज़बरदस्त धूमधड़ाका हुआ। फिर अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर भी इसने यही कोशिश की, नीचे गिरी तो 50 पीरियड का रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा गिरी, ऊपर जाने की कोशिश की, 200 पीरियड को टेस्ट करने की कोशिश की, नहीं कर पाई, 20 से ही नीचे गिर गई। तो यहाँ पर भी कोई प्राइस एक्शन बन रहा था, कैसे बन रहा था दिखा दे मेरे भाई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, वीडियो का सारांश, प्राइस एक्शन सब कुछ है, प्राइस एक्शन सुप्रीम है, किंग है, बादशाह है, राजा है, कुछ भी बोल लो। हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है सिर्फ मूविंग एवरेज, डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस से ये होता है। जब गोल्डन क्रॉस हो जाता है, यहाँ पर गोल्डन क्रॉस हो गया, मार्केट ऊपर गई, नीचे आएगी तो हमें मालूम है नीचे आई आने पर इसको बाइंग करना है। अभी अब देखो प्रेजेंट सिनेरियो में क्या करना है, BTC के प्राइस में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई ये डेथ क्रॉस बना है, यहाँ पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, इसीलिए मैं 30,000 के सपोर्ट पर आपको फोकस ज़्यादा करा रहा हूँ। अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस नीचे ज़रूर आएगा 19,666 तक। अभी तो देखो मार्केट एक साइड बियरिश आ रही है, अभी तो 31,000-32,000 पर प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस ओवर बन चुका है। तो क्या वापस क्रॉस ओवर के बाद इस लेवल को टेस्ट कर सकती है? कर सकती है मेरे भाई, ये रेंज है, ये रेंज जब ब्रेक होगी नीचे के साइड या ऊपर के साइड तो यहाँ पर कुछ डिसाइड होगा। वरना आपको देखो यहाँ पर मार्केट जब गिरी थी तो अच्छे से देख लो, यहाँ पर 200 पीरियड का इसने रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, यहाँ पर लिया था, फिर इसको तोड़ नीचे आया, फिर ऊपर गया तो ऑलमोस्ट यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, फिर गिर गया, अब बना है क्रॉस ओवर। यहाँ पर इतना गिरने के बाद क्रॉस ओवर बना है तो हो सकता है यहाँ से मार्केट इस पॉइंट से ऊपर के साइड घूमे और हमें 40,000 या 42,000 वापस दिखाए। यहाँ पर ये समझ लो अच्छी तरह से, देखो ये एक जोन बनी हुई है, इस जोन के ऊपर अपनी निगाहों को रखना, जोन जिस ओर भी ब्रेक होती दिख रही है उस साइड घुस जाना, हवा जिस साइड चल रही हो उसी साइड भागना, हवा के विपरीत कभी मत भागना, नदी में डूब गए हो तो नदी के बहाव जिधर हो उसी साइड तैरने की कोशिश करना, नदी के बहाव के अपोजिट साइड तैरने की कोशिश मत करना, अदरवाइज डूब जाओगे। समझ में आई बात? तो चलो वीडियो को लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना जो लोग नए हैं। और यहाँ पर बिल्कुल डेथ क्रॉस, ये देखो ये होता है दोस्तों डेथ क्रॉस। तो चलो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरीके से जानकारी, यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ये मेरा वायदा है। वीडियो के साथ बने रहना, चैनल के साथ बने रहना, जो भी वीडियो डालूँ उसको ध्यान से देखना, बहुत जल्द अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। तो चलो मुझको याद दो, नेक्स्ट अपडेट मिलता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।